सब्सक्राइब करें हिंदी न्यूज चैनल को और सबसे पहले न्यूज पाने के लिए घंटे को जरूर दबाएं, ये बिल्कुल फ्री है। मित्सुबिशी ने न्यू जनरेशन पजेरो स्पोर्ट्स के मिड साइज रिफ्रेश मॉडल की शुरुआत की है। इसे फेसलिफ्टेड पजेरो एसयूवी से बाहर की तरफ स्टाइलिश के साथ साथ इंटीरियर भी अपडेट किया गया है। मतलब कि भारत ने मित्सुबिशी ने अपनी फेसलिफ्टेड पजेरो को लॉन्च कर दिया है और इसका शानदार डिज़ाइन और लुक इस कार को और भी शानदार बना रहा है। अगर हम बात करें इस पजेरो की स्पेसिफिकेशन की तो पजेरो स्पोर्ट्स में आपको वन डीजल इंजन मिलेगा जो डीजल इंजन 2400 सीसी का है। यह मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है। वेरिएंट और फ्यूल टाइप के आधार पर पजेरो स्पोर्ट्स का माइलेज 13.5 किलोमीटर पर लीटर का है। पजेरो स्पोर्ट्स 7 सीटर एसयूवी है और इसकी लेंथ 2600 mm से शुरुआत होती है और इसकी विड्थ 1800 mm है और व्हील बेस इसका 2800 mm का है। बाहर की तरफ एसयूवी को संशोधित क्रोम ग्रिल और एक नए फ्रंट बम्पर के साथ एक अपडेटेड फ्रंट फोशियन मिलता है, जिसमें फॉग लैंप्स और टर्न इंडिकेटर के लिए लाइट्स का एक क्लस्टर है। नया रूप मित्सुबिशी की डिज़ाइन भाषा के अनुरूप है। पीछे की ओर इसमें एक लेटेस्ट बम्पर और टेल लाइट का एक ट्विस्टेड सेट मिलता है। अपडेटेड पजेरो में नए अलॉय व्हील्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। कैबिन के ग्लेस ब्लैक और ग्रे में सिल्वर स्टंट के साथ फिनिशिंग हुई है। इसमें डोर पैडल्स और हैंडल पर सॉफ्ट मटेरियल के साथ साथ रीडिज़ाइन किया गया सेंटर कंसोल भी शामिल है। अपडेटेड पजेरो स्पोर्ट्स में 8 इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 8 इंच का MID डुअल जोन AC और ए अवर्ट टेलीगेट मिलता है, जिससे मोबाइल ऐप के जरिए भी चलाया जा सकता है। सुरक्षा के लिए पजेरो एडिक्टिविटी कंट्रोल के साथ एयरबैग्स, लेन जैस असिस्ट और रेयर ट्रैफिक अलर्ट सिस्टम, ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन सिस्टम और 360 डिग्री कैमरा के साथ आता है। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये मित्सुबिशी की पजेरो की नई फेसलिफ्टेड एसयूवी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना। आज के वीडियो का टारगेट रखते हैं हम 700 लाइक का। जल्दी से 700 लाइक के टारगेट को पूरा करें। आपका एक लाइक मेरे चैनल की बहुत हेल्प करता है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जितना हो सके आम आदमी के लिए शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।